बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त हैं हम गुजरावाला में और यहां से हम आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेस्टोरेंट में वेजिटेबल पुलाव जो है वो किस तरह तैयार होता है और उसमें कौन सी राज की चीज़ें हैं जो अक्सर हम देखते हैं और हमें नहीं मिलती, आज हम आप लोगों के सामने वेजिटेबल पुलाव जो है वो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के प्रोफेशनल शेफ़ शाहजेब साहब और ये हमें बना के दिखाएंगे कि ये वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी जो है वो किस तरह तैयार होगी और वो भी देगी स्टाइल में। तो आइए देखते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल देगी वेजिटेबल पुलाव जो है वो किस तरह तैयार होगा और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये आप तक किस तरह रेस्टोरेंट में पहुंचता है। आइए शुरू करते हैं। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो चावलों को धो लेंगे और इन्हें धो के भिगो लेंगे। तो कितनी देर के लिए भिगोते हैं वो शाहजेब साहब से पूछ लेते हैं। शाहजेब साहब, ये चावलों को कितनी देर के लिए धो के भिगोएंगे? ये आधा घंटा जो है ना, आधा घंटा धोने के बाद भिगो लेंगे। तो चलिए धोते हैं सबसे पहले चावलों को। यहाँ पे नहर के किनारे जो नलके लगे हैं उनका पानी ठंडा और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। चावलों को अच्छी तरह मल के धो लेंगे। चावलों को तकरीबन दो दफ़ा धो के इसमें से पानी जो है वो निकाल लेंगे। नलका हम बहुत आहिस्ता चला रहे हैं मगर इसमें पानी जो है वो बहुत तेज़ आ रहा है, मोटर से ज़्यादा प्रेशर है पानी का। चावलों को धो के भिगो दिया है और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो पूछी ही नहीं है शाहजेब साहब से। शाहजेब साहब, ये चावल जो है वो कौन से लिए हैं आपने? ये हमने लिए हैं चावल 11-21 टीम है, कायनात कायनात कायनात। हाँ, बासमती में ये कायनात बासमती है जो कि बहुत ही अच्छे चावल हैं। और इसमें आप बनाने के लिए चावल नए लेते हैं या पुराने? ये पुराने होने चाहिए। पुराने होने चाहिए। तकरीबन कितना अर्सा पुराने होने चाहिए? तकरीबन ये जो कायनात स्टीम होती है ना, ये कोई 6 माह पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 6 माह पुरानी होनी। सही, इससे ज़्यादा पुराने तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये। फिर जैसे जैसे ये इसके आगे जाएगा तो अच्छे बने। मेरे ख्याल में अभी तो ये साल से ज़्यादा पुराने हो चुके होंगे। तकरीबन इतने ही साल से, क्योंकि अभी तो चावल की नई फसल आई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, साल से पुराने हैं ये। साल से पुराने? हाँ जी, कम अज़ कम जो है वो 6 माह पुराने होने चाहिए मगर ये साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल से भी ज़्यादा। जब तक हमारे भिगोए हुए चावल जो है वो तैयार होते हैं, इतनी देर में हम सब्जियां जो है वो काट के तैयार कर लेते हैं। सब्जियों में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आइए देखते हैं। मटर, आलू, गाजर और ये मसाला जाते हैं टमाटर, लीमू, सब्ज़ मिर्च और प्याज। शाहजेब साहब काटेंगे आलू और प्याज वगैरह और जब तक वो आलू प्याज वगैरह काटते हैं इतनी देर में मैं मटर जो है वो निकाल लेता हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे कटिंग जो है वो बहुत तेज़ होती है और चंद मिनटों में चीज़ें जो है वो काट के तैयार हो जाती हैं। माशाल्लाह चीज़ें जितनी भी हमने काट के इसमें सब्जियां वगैरह मसाला जात वगैरह जो डालने थे वो काट लिए हैं और अभी चलते हैं अगले मरहले की तरफ।
और यहाँ पे जो राज की बात है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँ कि मोस्टली ये होता है कि देग में मसाला जात जो है वो देग के अंदर डाले जाते हैं, मगर यहाँ पे जो होटल में या रेस्टोरेंट में तैयार की जाती है उसके लिए जो मसाला जात है वो फ्रेश मसाला जात के ऊपर ही लगा लिए जाते हैं। सबसे पहले गरम मसाला मिक्स, नमक, सुरख मिर्च, आलू बुखारा और इमली। यहाँ पे खुश मसाला जात और फ्रेश मसाला जात, इमली, आलू बुखारा और तमाम चीज़ें जो है वो यकजा कर ली जाती हैं पकाने के लिए। और ये भी एक बहुत बड़ा राज है क्योंकि स्पेशली जो आम देग वगैरह बनाई जाती है उसमें मसाला जात जो है वो देग के अंदर डालते हैं और अलग-अलग डालते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। मसाला जात जो है वो तैयार हो गए हैं और सब्जियाँ वगैरह काट के तैयार कर ली हैं और अभी चलते हैं अगले मरहले की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देग में डालेंगे घी, घी के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। और शाहजेब साहब, इसमें चावल आपने कितने लिए हैं और घी कितना डालेंगे इसमें? ये हमने 2.5 kg घी डाला और 12 kg चावल है। 12 kg चावल में यानी कि 2500 ग्राम जो है वो घी इस्तेमाल करेंगे। घी गर्म हो गया और अभी प्याज डाल लेते हैं देग में। शादी साहब, प्याज को कितनी देर के लिए फ्राई करेंगे? जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। वैसे मोस्टली प्याज को देग में या चावलों में ब्राउन होने तक फ्राई किया जाता है, मगर यहाँ मैं सिर्फ ऐसे पूछ रहा था ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो, मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाए। प्याज ब्राउन हो गया और अभी इसमें पानी डाल लेंगे कलर निकालने के लिए। प्याज का कलर जो है वो निकल आया और अभी इसमें डाल लेंगे बाकी मसाला जात, फ्रेश और खुश मसाला जात, इमली और आलू बुखारा, लीमू वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये तमाम मसाला जात जो है वो इकट्ठे ही देग में डाल रहे हैं। क्या जब तक यहाँ पे मसाला जात को कितनी देर के लिए आप फ्राई करते हैं? जब तक ये अच्छी तरह भुन ना जाए, यानी कि मसाला जात जब तक अच्छी तरह भुन ना जाए आप इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन कितना टाइम लग जाता है यहाँ पे? तकरीबन 5 मिनट, 5-6 मिनट में हो जाता है। माशाल्लाह मसाला जो है वो तैयार हो गया और अभी इसमें पानी डाल लेंगे। 12 किलो चावलों में 17 लीटर पानी जो है वो लगेगा। देग में पानी डालने के बाद अभी इसमें डाल लेंगे चार अचार जो है वो तकरीबन आधा किलो 12 किलो में डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी इसमें डालेंगे कटी हुई सब्जियां जो हमने काटी थी और सब्जियों को काट के धो के अच्छी तरह इनमें से पानी जो है वो निचोड़ लिया और अभी इनको डाल लेते हैं देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और देख के अंदर तमाम मसाला जात वगैरह डालने के बाद
सब्जियां डालने के बाद कलर जो है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना है। तमाम मसाला जात और सब्जियां डालने के बाद देखते हैं ऊपर से डाल देंगे। शाहजेब साहब अभी इनको कितनी देर के लिए डाम से पकाएंगे? जितनी देर तक इसको उबाला नहीं है, यानी कि उबलने तक इसको डाम देंगे। देख में उबाल आ गया और अभी इसमें डाल लेते हैं चावल। चावलों को निचोड़ के इनमें से पानी जो है वो निकाल लिया और अभी चावल इसमें डाल लेते हैं। माशाल्लाह कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आ रहा है और चावल डालने के बाद इसको हल कर लेंगे चावलों को और मसाला जात को आपस में, और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो देख में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। देख में चावल डालने के बाद चम्मच से एक दफ़ा हल किया और अभी ऊपर से डाम देंगे। चावलों में उबाल आ गया और एक दफ़ा चम्मच की मदद से चावलों को हलाएंगे। चावलों को हलाने के बाद ऊपर से डाम लिया और अभी दम पे चावलों को रख दिया है। शाहजेब साहब कितनी देर के लिए दम पे रखेंगे इनको? तकरीबन ये 15 मिनट। मोस्टली चावल जो है वो 15 मिनट के लिए दम पे लगाए जाते हैं। कम ज्यादा हो जाए तो कोई इशू तो नहीं बनता? एक दो मिनट का तो कोई मसला नहीं, एक दो मिनट का कोई फर्क नहीं होता। और देख के ऊपर थोड़ा सा वजन रख दिया ताकि इसमें से भाप जो है वो खारिज ना हो। शाहजेब साहब अक्सर होता है कि घरों में जो चावल पकाए जाते हैं उसमें पानी जो है वो चावलों के डबल डाला जाता है। मतलब अगर आपने 1 किलो चावल लिए तो पानी जो है वो 2 लीटर डाला जाता है, तो आपने 12 किलो चावल लिए और उसमें 17 लीटर पानी डाला है, इसकी क्या रीजन है, कम क्यों डाला है ये पानी? जब चावल कम होते हैं ना 1 kg या 2 kg उसको पानी डबल किया जाता है, ठीक है, वो घरों में। ये चावल ज़्यादा है, इसका जो है ना 12 kg चावल है, हमने 17 kg पानी इसको लगाया। पानी इसको ज़्यादा लगाएंगे तो ये चावल जो नरम हो जाएगा, ये जो मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा नरम हो जाएंगे, सारा चावल जो टूट जाएगा। यानी कि जब चावल ज़्यादा होंगे तो पानी की मकदार थोड़ी कम कर लेंगे, मकदार जो है ना कम करेंगे, ठीक है ना। 1.5 लीटर 1 kg को 1.5 लीटर लगाएंगे। सही होगा। यहाँ पे नहर के किनारे जो है वो मौसम बहुत ही प्यारा, हवा चल रही है और बहुत ही मौसम जो है वो मुतदिल किस्म का, यानी ठंडा ठंडा। वैसे वो धूप में गर्मी है और यहाँ पे मौसम बड़ा प्यारा है। तो हम एक बात यहाँ से आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि शाहजेब साहब से हम पूछेंगे कि वो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और इनके इसके अलावा क्या क्या शौक हैं। शाहजेब साहब कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 9-10 साल। 9-10 साल से। तलीम क्या है आपकी? मैट्रिक। तो मैट्रिक के फौरन बाद आपने ये काम शुरू कर दिया या मैट्रिक तलीम के दौरान भी करते थे? तलीम के दौरान हमारे ना एक दोस्त वो एक होटल पे काम करते थे, उसके साथ मैं उधर जाता था तो उससे मुझे देख कर तो शौक आ रहा था। शौक आ गया, यानी कि शौक पे आप काम कर रहे हैं? शौक पे हम काम तो अभी तो ये आपका प्रोफेशनल हो गया ना? ये तो हमारा प्रोफेशनल बन गया। प्रोफेशनल बन गया। तो इसके अलावा भी कुछ करते हैं या बस यही काम करते हैं? नहीं, इसके अलावा मैं पहलवानी करता हूँ, गुजरांवाला का मैं पहलवान हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एक बात गौर से सुने जी कि गुजरांवाला पहलवानों में मशहूर है, तो यहाँ पे ये खाली कुकिंग ही नहीं करते, इसके अलावा पहलवानी भी करते हैं। पहलवानी। तो शाहजेब साहब पहलवानी में कहीं किसी के साथ कुश्ती के लिए भी गए हैं? तकरीबन मैं पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा शहरों में जो है ना वो मुकाबले लड़ा हूँ। मुकाबले लड़े हैं जी? माशाल्लाह माशाल्लाह। नेशनल गेम्स में भी मैंने ना तकरीबन 2018 में मैं उसका ब्रॉन्ज मेडल हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नेशनल गेम में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, और इससे ज़्यादा क्या आज़ाद की बात है कि हमारे नेशनल प्लेयर हैं और इसके अलावा कुकिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए। तो एक्सरसाइज रोज करते हैं या कभी कभी करते हैं? नहीं नहीं, रोज करते हैं हम। रोज करते हैं पहलवानी में, रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो कैसा फील करते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं? वो अच्छा फील लगता है, जब हमारी एक्सरसाइज मिस हो जाती है कोई काम की वजह से तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता। सही। तो माशाल्लाह जी अपने प्रोफेशन में भी बहुत परफेक्ट हैं और अपनी गेम में भी बहुत ही परफेक्ट हैं, तो ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने में आती हैं, तो माशाल्लाह। तो एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ, माशाल्लाह जो लोकेशन इन्होंने हमें दी है कि यहाँ पे हम वीडियो बनाएंगे, वो लोकेशन भी इनके अखाड़े के पास है
और ये साथ इनका खाड़ा है। अभी तो हम आप लोगों के साथ इनकी कुकिंग की वीडियो शेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब इनकी गेम्स शुरू होंगी, गेम्स कब होती हैं तकरीबन साल में? मुकाबले तकरीबन साल में होते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं था मुझे कि कब होना है कब नहीं। वो एक 15 दिन पहले हमें जो है ना इत्तला मिलती है कि आपका पुरानी जगह मुकाबला उधर की तैयारी करें, तो हम इसकी तैयारी करते हैं। सही, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ ये अभी तो कुकिंग की वीडियो शेयर कर रहे हैं और जब इनका मुकाबला होगा हम इनसे रابطے में रहेंगे। जब इनका मुकाबला होगा तो वो भी कोशिश करेंगे इनके मुकाबले की वीडियो जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें इंशाल्लाह। तो शाहजेब साहब के साथ गपशप लगाने का भी काफ़ी मज़ा आया और टाइम तकरीबन हो चुका है और अभी हम चलते हैं चावलों की तरफ और उनका दम खोल के चेक करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर से वजन जो है वो हटा लेंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव जो है वो तैयार हो गया और बीच में सब्जियां जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो माशाल्लाह पुलाव जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल पुलाव जो है वो हमारा तैयार हो गया। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा कलर लगाएंगे। कलर जो है वो आप चाहे तो लगा लें चाहे तो ना लगाएं, ये ऑप्शन पे है। मगर हम आप लोगों के साथ मुकम्मल रेस्टोरेंट की जो रेसिपी है वो शेयर कर रहे हैं, इसलिए जो कलर वहाँ पर लगाया जाता है हम यहाँ भी लगाएँगे। बिस्मिल्लाह। शाहजेब साहब पुलाव जो है वो तैयार हो गया? बिल्कुल तैयार, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है और तारीफ़ के काबिल है। अभी हम आपको ये टेस्ट करके भी बताएंगे कि ये पुलाव जो है वो कैसा तैयार हुआ। अभी पुलाव को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी इस रेसिपी को देखेंगे तो आपके मुँह में भी पानी जो है वो आ जाएगा, इतने मज़ेदार जो है वो पुलाव तैयार हुआ है। माशाल्लाह चावल देखें, चावल जो है वो भी निखरे निखरे और बहुत ही खूबसूरत। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल पुलाव जो है वो टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल का तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ा। तो हमारे साथ वेजिटेबल पुलाव को टेस्ट कर रहे थे मोहम्मद अमजद साहब, इनसे रिव्यू ले लेते हैं कि इनको ये वेजिटेबल पुलाव जो है वो कैसा लगा। हाँ जी अमजद साहब, हमने क्या किया है, बहुत ही अच्छे मज़ेदार पके हुए चावल। जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपको हमने ओपन एयर में ये रेस्टोरेंट स्टाइल देगी वेजिटेबल पुलाव जो है वो तैयार करके बताया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। पीना है अपना जेब साहब, कितने अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं ये? तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। तो इनका खाना शाना कैसा है? बड़ा मज़े का टेस्ट है इनका, माशाल्लाह। वेजिटेबल पुलाव कैसा है इनका स्पेशली? टेस्टी है बहुत ज़्यादा, चेक करें आप इंशाल्लाह मज़ा आएगा। नहीं हमने तो वीडियो बनाई है और कस्टमर के व्यूवर्स के साथ शेयर करनी है। अच्छा, अच्छा। हमने कहा जी आपसे भी रिव्यू ले लें कि आपको यहाँ पे आप अरसा दराज से आते हैं, कैसा खाना है इधर का? इंशाल्लाह मैं कस्टमर कहूँ कि इंशाल्लाह एक बार आए चेक करें टेस्ट, इंशाल्लाह बराबर आएगा इंशाल्लाह, मज़े का टेस्ट है। तो आप दोपहर को यहाँ पे खाते हैं? डेली डेली माशाल्लाह जी, काफ़ी अरसे से और रेगुलर खाना यहाँ पे खा रहे हैं। आतफ ब्रदर साहब से पूछ लेते हैं कि ये कितने अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं और इनको यहाँ का खाना कैसा लगता है। आतफ साहब कैसा है यहाँ का खाना? देखिए जी हमने तो यहाँ पे सब्जी का पुलाव खाने आते हैं स्पेशली यहाँ पे, ठीक है, और वैसे भी इनका भी जरदार मिक्स करके खाते हैं,
अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। तीन चार साल से इनका ये दूसरी ब्रांच है इनकी, तीन चार साल से चल रही है माशाल्लाह, देख ही रहे हैं ये सब क्या कैसा नज़ारा है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा यहाँ का सेटअप है और बहुत ही अच्छा यहाँ का खाना ये देख रहे हैं आप लोग, और मुनासिब रेट पे हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस इलाके में हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा।